हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, आज हम करने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट असाइनमेंट जो कि बेस्ड है हमारे यूनिट टेस्ट पे। तो सबसे पहले, जैसा कि बताया हुआ है कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में से आपके यूनिट टेस्ट होंगे, तो हम फर्स्ट चैप्टर की ऑलमोस्ट डन कर चुके हैं। अब हम सेकंड चैप्टर की जितना भी रह रहा है हम वो आज करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं हम शब्द अर्थ। गौर से का अर्थ है ध्यान से, वर्षा का योग वर्षा होने की संभावना, आभास अनुमान लगाना, मोहलत अवकाश, संशय संदेह, दादुर मेंढक, सूक्तिया यानी कि सुंदर वाक्य, विभोर लीन या तल्लीन होना किसी में चीज़ में मन लगाना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे प्रश्न उत्तर, वन लाइन आंसर्स। ज्योतिषी ने राजा भोज को वर्षा के योग के बारे में क्या बताया? तो ज्योतिषियों ने बताया कि राजन, इस वर्ष तो वर्षा का कोई योग नहीं, यानी कि इस साल वर्षा नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाघ वर्षा के योग देखने कहाँ गए? तो घाघ वर्षा के योग देखने के लिए जंगल में गए, यानी कि जिनसे वो अनुमान लगा सके कि वर्षा होने वाली है या नहीं। नेक्स्ट, नाले पर बकरियां चराने वाली लड़की का क्या नाम था? तो नाले पर बकरियां चराने वाली लड़की का नाम भेडूरी था। ठीक है, जो कि हमारी पाठ का नाम ही है, घाघ और भेडूरी। तो घाघ थे हमारे ज्योतिषी, और जो लड़की थी जो अनुमान लगा लेती थी कि वर्षा होने वाली है या नहीं, उसका नाम था भेडूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाघ वर्षा का अनुमान कैसे लगाते थे? तो घाघ प्रकृति और आसमान को देखकर वर्षा का अनुमान लगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेडूरी ने वर्षा होने का क्या संकेत बताया? तो भेडूरी ने टिटहरी को अंडे ले जाते हुए देखकर अनुमान लगाया कि वर्षा होने वाली है। नेक्स्ट, घाघ के हिसाब से वर्षा होने की पूरी संभावना थी, फिर भी उसने राजा को क्यों नहीं बताया? तो उत्तर है, घाघ पूरा हिसाब लगाकर ही राजा को वर्षा के बारे में बताना चाहता था, ताकि कोई संदेह ना रहे। मतलब वो पूरा कंफर्म करके, पूरे निश्चिंत होकर ही बताना चाहते थे कि वर्षा होगी या नहीं, इसीलिए उन्होंने राजा को फिलहाल नहीं बताया था। ये तो हैं बच्चों आपके प्रश्न उत्तर। अब हम करते हैं सही और गलत। पहला है, नाले पर बकरियां चराने वाली लड़की का नाम भेडूरी था। सही। घाघ और भेडूरी ने ऋतु संबंधी कई दोहे और सूक्तियाँ लिखी। बिल्कुल सही। इन्हीं दोहे और सूक्तियों के आधार पर ही जो हमारे आज के किसान हैं वो अपनी कृषि खेती करते हैं। नेक्स्ट, राजा ने खुश होकर घाघ को पुरस्कार से सम्मानित किया। बिल्कुल सही। राजा भोज ने घाघ को मुख्यमंत्री का पद दिया। गलत, उन्होंने उसको राज ज्योतिषी का पद दिया था। नेक्स्ट है, चील और उसके अंडों को देखकर भेडूरी ने वर्षा का अनुमान लगाया। नहीं, बिल्कुल गलत। किसके अंडों को देखकर लगाया था वर्षा का अनुमान? किसके? हाँ जी, तो उसने टिटहरी के अंडों को देखकर वर्षा का अनुमान लगाया था। नेक्स्ट है आपके विलोम शब्द, अमीर का गरीब, पाप का पुण्य, राजा रंग, सुख दुख, शत्रु मित्र, धरती आकाश। आगे हम करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है, घाघ वर्षा का अनुमान लगा लेते थे। किसका अनुमान लगाते थे? वर्षा का। नेक्स्ट, अंत में किसने वर्षा होने का संकेत दिया था? भेडूरी ने। नेक्स्ट, घाघ के हिसाब से वर्षा होने की पूरी संभावना थी। क्या संभावना थी? वर्षा होने की। नेक्स्ट, गधे के कान खड़े देखकर घाघ समझ गए। ठीक है, किसके कान खड़े देखकर घाघ को पता लग गया था कि वर्षा होगी? गधे के। नेक्स्ट है आपके बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर, MCQs। किसके कान खड़े देख घाघ ने वर्षा होने का अनुमान लगाया? तो गधे के। नेक्स्ट, आसमान में किसका झुंड आकाश की ओर बढ़ रहा था? चीलों का झुंड। नेक्स्ट है, कौन पियू पियू चिल्लाने लगे, मोर या पपीहे? तो पपीहे पियू पियू चिल्लाने लगे। अगला है, घाघ की निगाह किस पर टिकी थी? तो घाघ की निगाह आसमान या धरती पर? तो आसमान पर टिकी थी, क्योंकि आसमान से ही वर्षा होनी थी।
नेक्स्ट है, नाले पर बकरियां कौन चरा रही थी? तो है भिडूरी जो है वो नाले पर बकरियां चरा रही थी। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारी थर्ड असाइनमेंट्स बेस्ड ऑन द यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशन। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया। अब इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको यूनिट टेस्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।